हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत है, आप देख रहे हैं टीके ब्लॉग। आज हम आपको ले आए हैं सौदे बाजार, और रांची से करीब इसकी दूरी है 110 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये सौदे बाजार। तो जहां आज हम आपको ले आए हैं बाजार घुमाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, और ये बाजार का थाना पड़ने वाला है, रनिया थाना पड़ने वाला है, और इसका जिला होने वाला है, खूंटी जिला होने वाला है। तो चलिए ये बाजार आप लोग घुमाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और ये बाजार कैसा लगता है, और यहाँ क्या कुछ मिलता है खास देखने को मिलता है, और यहाँ पर किस किस जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इस साइड रनिया साइड मेरे को मुंडा जनजाति के लोग देखने को मिल जाते हैं। गांव घर का बाजार है गाइस, देसी बाजार है। तो दोस्तों गांव घर का बाज़ार लोग काफ़ी आना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव घर का बाज़ार में एक मेला होता है गाइस, जहां काफ़ी लोग आते हैं बाज़ार में घूमने वगैरह के लिए, और काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। चलिए बाज़ार में आप लोग घुमाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ, बाज़ार में क्या कुछ खास मिलता है जाने की कोशिश करता हूँ। तो जस्ट रोड ही किनारे खड़ा हूँ, क्या ही बोल सकता हूँ, चलिए बाज़ार एक्सप्लोर करता हूँ। तो गाइस आज हम आपको ले आए हैं सौदे बाजार घुमाने के लिए। तो देखिए बाजार कुछ इस तरह से लगता है, जस्ट रोड ही किनारे ये बाज़ार लगता है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैप डाल दूंगा कि जिसके साथ आप ये बाज़ार आ सकते हैं और घूम सकते हैं। बाज़ार काफ़ी बड़ा बाज़ार है गाइस, देख सकते हैं कुछ ऐसे कुछ बाज़ार लगता है। चलिए बाज़ार के अंदर घुसते हैं, क्या कुछ खास मिल रहा है बाज़ार में घुमाने की कोशिश करते हैं। चलिए बाज़ार घूमिए। तो गाइस देखिए जैसे हम बाज़ार पहुंच चुके हैं, बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हम काफ़ी लेट से आए हैं बाज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए। करीब आप लोगों का 3 बज रहा है, तो हमें रांची से आते आते काफ़ी देर हो चुका है गाइस। देखिए गांव घर का बाज़ार, देसी बाज़ार, और देखिए 3 बज रहा है, जस्ट अभी 3 बज रहा है। चलिए बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट ये रोड किनारे ये बाज़ार लगता है, देख सकते हैं जस्ट अभी पानी गया हुआ है। चलिए घुमाते हैं हम लोग बाज़ार, देखिए बहुत कुछ मिल रहा है बाज़ार में, इसी तरह से लग रहा है। तो देखिए गाइस बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है ये सौदे बाज़ार। देखिए बाज़ार जस्ट आपको दिख रहा है ना, इधर दूर दूर ये बाज़ार लग रहा है। जस्ट काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए, देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोग आए हुए हैं। तो ये बाज़ार चलिए अब घुसते हैं, जस्ट घुस ही रहे हैं, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार कैसे लगता है और कितना बड़ा लगता है बाज़ार में, क्या कुछ खास मिलता है देखने के लिए। वगैरह के औजार वगैरह मिल जाएंगे आप लोग उधर, गाँव घर साइड देख सकते हैं कुछ इस तरह से कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा औजार वगैरह देखने को मिल जाते हैं गांव घर साइड, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए गाइस बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है आप लोगों को सौदे बाज़ार। तो देखिए बाज़ार में आज बहुत पानी है, इधर पानी बाज़ार में देखने को मिल गया, गुल्ठा वगैरह मिल गया देखने के लिए। इधर देखिए इधर भी गुल्ठा वगैरह, इधर कुछ इस तरह से बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, देख सकते हैं सौदे बाज़ार, और काफ़ी कीचड़ कीचड़ है गाइस, देख सकते हैं इस बाज़ार में। चलिए घूमते हैं बाज़ार, देखिए कुछ बाज़ार का सीन, देखिए बाज़ार में काफ़ी कुछ मिल रहा है, बट बाज़ार में पानी से बहुत कचकच। तो देखिए बाज़ार में काफ़ी कुछ मिल रहा है, बाज़ार में आप लोगों को चढ़ाया गया है गाइस, देख सकते हैं बाज़ार में काफ़ी कीचड़ वगैरह, इस वजह से वैसे कुछ खास लग नहीं रहा है बाज़ार, बट बाज़ार में काफ़ी कुछ मिल रहा है देखने के लिए मिल रहा है। बाज़ार वैसे काफ़ी बड़ा बाज़ार है देख सकते हैं, पर बरसात की वजह से काफ़ी कीचड़ कीचड़ हो चुका है इधर, देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ वगैरह हो गया, काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए। वैसे भीड़ भाड़ तो नहीं है, क्योंकि पानी की वजह से भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ इस तरह से मार्केट लगता है इस सौदे में, क्योंकि बाज़ार आप लोग मंगलवार के दिन लगता है, मार्केट लगता है, देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ है गाइस, इधर काफ़ी कीचड़ वगैरह है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रस्सी वगैरह मिल रहा है आप लोगों को इधर, गाँव घर साइड काफ़ी रस्सी वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इस तरह का बाज़ार है गाइस गाँव घर का, एक देसी बाज़ार जहाँ आज हम आपको लेके आए हुए हैं घुमाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। खैनी वगैरह मिल रहा है इधर, खैनी से काफ़ी गाँव के साइड के लोग खैनी वगैरह खाते, खैनी कैसे दे रहे थे, खैनी कैसे पाओ, कैसे कराऊँ। देखिए गाँव गाँव वगैरह मिल रहा है लोहा का औजार वगैरह। तो गाइस देखिए बाजार में क्या क्या मिल रहा है इधर, देखिए इधर खाएगी क्या रोटी है। तो गाइस देखिए पीठा रोटी दे रहे, 10 रुपये का 2 दे रहे, देखिए इधर चलिए खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं इधर गांव घर का कुछ। देखिए इधर मछली मिल रहा है, इधर कैसे दोना मिल रहा है, कैसे दोना दे रहे हैं, कैसे दोना, कै रुपये दोना, बाप देखिए 50 रुपये दोना दे रहे इधर, दादा दे रहे इधर। तो बाज़ार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, जहाँ राशन वगैरह का सामान वगैरह मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए बाज़ार में कुछ इस तरह से सामान वगैरह मिलता है, बाज़ार में काफ़ी कीचड़ वगैरह है देख सकते हैं, काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए, क्योंकि कीचड़ कीचड़ में क्या ही बोल सकते हैं गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस देखिए बाजार कुछ इस तरह से, बाजार काफी खाली खाली लग रहा है गाइस, क्या बोल सकते हैं। तो गाइस देखिए गांव घर का देसी बाजार, जहां पर काफी आप लोगों को कुछ मिल जाएंगे, इधर सौदे बाजार जस्ट आज लेकर आए हुए हैं, पानी की वजह से बाजार कुछ उसे कुछ खास बाजार नहीं लगा गाइस।
देख सकते बाजार में काफ़ी कुछ मिल रहा है, बट बाजार में पानी की वजह से काफ़ी कचकच हो गया गाइस। क्या बोल सकते, पानी की वजह से काफ़ी लोग नहीं आए हुए हैं बाजार में घूमने के लिए। देख सकते बाजार में अभी डिसन साबुन वगैरह देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। और इस तरह से बाजार लगता है गाइस, सोदे बाजार आज हम आपको ले आए हुए हैं। देखिए बाजार में काफ़ी नानी वगैरह लोग लेकर आए हुए इधर। देखिए सुपटी वगैरह लेकर आए हुए इधर, काफ़ी लोग सुपटी वगैरह बेच रहे हैं इधर। अब लोग किस तरह ग्रीनोला 100, देखिए दाल दे रहे हैं 100 रुपये दे रहे हैं इधर। दाल वगैरह गांव घर से लेकर आए हुए, देखिए लेके आए हुए इधर गाइस। क्या देख सकते हैं इधर बाजार कुछ इस तरह से लगता है गाइस। देख सकते हैं झाड़ू वगैरह आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। झाड़ू वगैरह इधर, झाड़ू कैसे दे रहे, झाड़ू कहाँ रेट है? तो देखिए इधर सोदे बाजार साइड आप लोगों को चल रहा है झाड़ू 50 रुपये रेट चल रहा है गाइस। ये बोल सकते हैं देखिए बाजार में कुछ इस तरह से। देखिए गाइस गांव घर का देसी बाजार है गाइस, जहाँ पर आप लोगों को कपड़ा वगैरह कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह से कपड़ा मार्केट लगता है सोदे बाजार का। फिर काफ़ी कुछ आप लोग को मिल जाएंगे कपड़ा वगैरह लेने के। बाजार साइड कुछ इस तरह से बनाया जाता है गाइस, कुछ इस तरह का लगता है देख सकते हैं। और जस्ट मैं आज आया हुआ हूँ एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों का, ये सोदे बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूँ गाइस। देखिए बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इस साइड आप लोगों को काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाजार में भी काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान वगैरह देख सकते हैं। तो गाइस देखिए बाजार में आप लोगों को काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इधर देखिए सोदे अपनी गाँव घर के बाजार में देखिए कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो बाजार किस दिन लगता है भैया? ये मंगलवार को, मंगलवार को लगता है। बड़ा बाजार किस दिन लगता है? आज ही है, आज ही है। तो इस साइड आप लोग इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाजार कुछ इस तरह से लगता है गाइस, बाजार काफ़ी बड़ा बाजार है गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाजार लगता है। तो गाइस देखिए बाजार में जाला वगैरह मिल रहा है मछली का, मछली पकड़ने के जाले वगैरह, क्योंकि जैसे ये नदी किनारे बाजार लगता है इसलिए इधर आप लोग मछली पकड़ने के जाले वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस बाजार में। और गाइस सोदे बाजार का बर्तन मार्केट, जहाँ बर्तन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से ये मार्केट लगता है गाइस। देख सकते हैं हमें मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बर्तन वगैरह देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। और कासा वगैरह के बर्तन गांव साइड मेरे को काफ़ी देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं इस तरह से बाजार वगैरह लगता है गाइस, सोदे बाजार का बर्तन मार्केट गाइस। तो गाइस ये सोदे बाजार का चप्पल मार्केट गाइस, जहाँ चप्पल वगैरह आप लोग देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से चप्पल मार्केट लगता है, और काफ़ी लोग आए हुए हैं चप्पल वगैरह का खरीद बिक्री करने के लिए। और ये मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, और ये मार्केट जस्ट आप लोग को मंगलवार के दिन लगता है गाइस। देख सकते हैं काफ़ी लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं चप्पल वगैरह की, गाँव का साइड काफ़ी लोग चप्पल वगैरह बाजार से खरीदना प्रेफर करते हैं गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाजार लगता है, काफ़ी लोग आए हुए खरीदारी करने के लिए। और ये गाइस सोदे बाजार का कपड़ा मार्केट गाइस, जहाँ पर कपड़ा वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं अच्छे से कपड़े वगैरह टी शर्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं गाइस। देख सकते हैं ये बाजार का कपड़ा मार्केट है गाइस, देख सकते हैं। सर ये आप लोगों को कपड़ा मार्केट घुमाते हैं, कपड़ा मार्केट कैसा लगता है आप लोगों को? और देखिए जूता चप्पल का मार्केट इधर सोदे बाजार का देख सकते हैं गाइस। देखिए बाजार कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी भीड़ भाड़ और काफ़ी गांव साइड इस तरह से मतलब बाजार वगैरह लगाया जाता है गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह का मार्केट लगता है, देख सकते हैं और गाँव और क्या ही बोल सकते हैं, कीचड़ वगैरह खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं देख सकते हैं बाजार में गाइस। देख सकते हैं बाजार में पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग नहीं आए हुए हैं। और बाजार कुछ इस तरह से लगता है कपड़ा बाजार, जहाँ आप लोगों को काफ़ी लोग देखने को मतलब देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। देख सकते हैं बाजार में कपड़ा मार्केट कुछ इस तरह से लगता है, जहाँ काफ़ी लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाएंगे कपड़ा वगैरह आप लोगों को, वैरायटी वगैरह का सामान वगैरह मिल जाएंगे। देख सकते हैं गाइस कुछ मिल जाएंगे साड़ी वगैरह गमछा वगैरह, और कुछ गांव घर का साइड इस साइड के मतलब साइड में मतलब कपड़ा वगैरह बेचा करते हैं गाइस। इस साइड गाँव घर साइड के गाँव का देसी बाजार गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाजार लगता है ये कपड़ा मार्केट। आप लोगों को ये बाजार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर। बाजार का कुछ दारू मार्केट है इधर, आप लोगों को दारू हड़िया कुछ बहुत तरह का कुछ मिल रहा है, वैरायटी का काफ़ी कुछ मिल रहा है। जस्ट आज हम आए हुए हैं सोदे बाजार में आप लोग को वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए ये सोदे बाजार का दारू मार्केट, जहाँ आज हम आए हुए हैं। चलिए कुछ एक्सप्लोर करते हैं दारू मार्केट आप लोगों के लिए। तो गाइस देखिए ये दारू बाजार, तो गाइस ये सोदे बाजार का दारू मार्केट। देखिए दारू मार्केट कुछ इस तरह से लोग दारू हड़िया का सेवन कर रहे हैं, काफ़ी लोग दारू हड़िया पीते हैं गाइस, क्योंकि दारू हड़िया गांव घर साइड काफ़ी पीना पसंद करते हैं। और ये सोदे बाजार का दारू मार्केट गाइस देख सकते हैं,
कुछ इस तरह से लगता है। तो गाइस देख सकते हैं गांव घर साइड कुछ इस तरह से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं सवारी वगैरह में, सब्जी वगैरह खरीदने लोग और बाज़ार वगैरह घूमने के लिए, क्योंकि बाज़ार नहीं गाइस एक तरह का मेला मानते हैं लोग, गांव घर साइड के लोग जो आते हैं ना बाज़ार घूमने के लिए, मेला होता है गाँव के लोग के लिए एक दिन का मेला, जहाँ लोग मिठाई वगैरह खाने के लिए आते हैं, तैयार वगैरह होके आते हैं बाज़ार वगैरह में ख़रीदारी वगैरह करने के लिए और घूमने के लिए आते हैं, और काफ़ी उत्साह होता है गाइस लोगों में। देख सकते काफ़ी लोग आए हुए हैं इस बाज़ार को घूमने के लिए। ये बाज़ार कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कमेंट करें गाइस। तो गाइस हमने तो बाज़ार से बंडा वगैरह नहीं खाया क्योंकि बरसात में रोटी बंडा वगैरह नहीं मिलता इस बाज़ार में, तो इसलिए हमने रोटी वगैरह खा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से रोटी वगैरह आज खा रहे हैं। चलिए खा लेता हूँ आप लोगों से फिर मिलता हूँ रोटी वगैरह, क्योंकि बाज़ार में बंडा वगैरह नहीं मिला गाइस इसलिए बोल सकता हूँ। गाइस इधर खाते हैं आज हमने बाज़ार से बंडा वगैरह नहीं खाया क्योंकि बाज़ार में बंडा वगैरह नहीं मिला गाइस इसलिए बोला गया, तो जब खा रहे रोटी वगैरह खा रहे हैं। चलिए खा लेते हैं फिर आपस में मिलते हैं। तो बाज़ार कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा बाज़ार, मतलब वैसे वर्थ है या नहीं वर्थ है, बंडा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए खा लेते हैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने सोदे बाज़ार घूमा, या बाज़ार काफ़ी बड़ा तो नहीं बोला जाएगा गाइस, बट काफ़ी बड़ा ही बाज़ार था, बट उस तरह का नहीं लगा गाइस क्योंकि पानी की वजह से बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोली जाए कीचड़ वगैरह हो चुका था, इसलिए वैसे घूमने में कुछ मज़ा नहीं आया ये बाज़ार, बट वैसे तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है गाइस। और ये बाज़ार मुख्यतः आप लोगों को लगता है मंगलवार के दिन काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है ये बाज़ार, और ये बाज़ार आप लोग रांची से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, रनिया से ठीक आप लोग का करीब 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बाज़ार। और बाज़ार में मेरे को तो काफ़ी कुछ देखने को मिल गया, पीठा रोटी वगैरह और चिकन वगैरह, और फिर बंडा वगैरह नहीं मिल रहा था क्योंकि हम काफ़ी शाम के वक्त आए हुए थे इसलिए वैसे कुछ बंडा वगैरह नहीं मिला, बट हमें तो बाज़ार काफ़ी अच्छा लगा गाइस। आपको ये बाज़ार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कमेंट करें। पानी की वजह से वैसे खास कुछ बाज़ार नहीं लगा गाइस। आपको ये बाज़ार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कमेंट करें गाइस। और नेक्स्ट बाज़ार मैं कहाँ का बनाऊँ प्लीज़ वो भी कमेंट जरूर कमेंट करें गाइस। आप लोग वीडियो तो देखते हैं गाइस बट सपोर्ट ही नहीं करते अपने छोटे भाई को, प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर करें, तभी तो गाइस मैं इस तरह का आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँगा, अच्छे अच्छे वीडियो वगैरह कंटेंट वगैरह बना पाऊँगा। तो बस इतने का मैं अन करता हूँ। जय झारखंड जय जवाहर। बस।